इस iPhone 16 Pro Pro Max में BGMI प्ले करके दिखाने वाले किस तरह का गेम प्ले मिलता है, किस तरह के FPS मिलता है, कौन कौन से हमें ग्राफिक्स मिलता है और कितनी हमें फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह मिलते हैं या फिर कितनी बैटरी परसेंटेज का ड्रॉप मिलता है और हीट होता है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। माला डिटेल डिस्कशन होने वाला है। बैटरी परसेंट दिखाऊं तो अभी हमारी 92% बैटरी है और अभी मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट तो हमने थोड़ा पहले कर दिया है लेकिन मैं आपको फिर भी जल्दी से ग्राफिक्स दिखा दूं। ग्राफिक्स में हमें स्मूथ में एक्सट्रीम मिल जाता है और हाइयर जो है हमें अल्ट्रा HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, बीच बीच में हम अपने ग्राफिक्स को चेंज करते रहेंगे। एक बार मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कितना है स्क्रीन साइड से। तो 35 डिग्री सेल्सियस इधर है, 34 जो है बॉटम में डिस्प्ले साइड, और बैक साइड दिखाऊं तो लगभग 35 है, बॉटम में भी 34 है, तो अराउंड 35 मान के चल सकते हो, 35-36 टेम्परेचर है। और रूम टेम्परेचर चेक कर सकते हो, 28.9 डिग्री सेल्सियस के करीबन है। तो अभी मैं पहला टेस्ट शुरू करता हूँ स्मूथ विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर। और देखो यार, मैं प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ, मेरी परफॉर्मेंस पे ध्यान मत देना, मेरा ध्यान जो है पूरा फोन पर है। तो लगभग 20 मिनट हो चुकी है और लगभग मुझे 60 FPS ही मिल रहा है कांस्टेंट, और A18 प्रो चिप मिलती है तो डेफिनेटली 60 FPS तो मिलने ही है, और फ़ोन ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ है। और टेम्परेचर जो है रूम का वो आपको दिख ही रहा है, 29.5% है। AC हमारी ऑफ थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑन करी है, तो टेम्परेचर अभी हम चेक करके देखेंगे थोड़ा सा जब हम टेस्टिंग कर लेंगे। लिफ्ट तो भाई तुम ऊपर ले गए, वो नीचे भी आ सकती है। बंदा है, बंदा चलो बन रही है कि तुमने तो पता है। हाँ 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 देखो, आधा घंटा हो चुका है। मैं टेम्परेचर दिखाऊं तो बैक साइड दिखाऊं तो 37.8 है, बॉटम में 36 है, डिस्प्ले साइड जो है वो भी 36 है, तो ज़्यादा टेम्परेचर तो अभी फिलहाल राइज हुआ नहीं है। आधा घंटा गेमिंग में रूम का टेम्परेचर आप देख लो डायरेक्ट एसी के सामने रखा हुआ है, तो इसलिए ये ज़्यादा कम टेम्परेचर दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा ना इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ, वरना एसी जो है 28 पर सेट है। एक बार मैं इसकी ग्राफिक्स को चेंज कर देता हूँ और इस बार ना हाइयर ग्राफिक्स पर चेक करते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम HDR नहीं चलेगा, अल्ट्रा HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट पर चलेगा। तो इस ग्राफिक पर एक बार गेम प्ले करके देखते हैं। देखो फ्रेम जो है ना वो फ्रेम्स हमें कम ही दिख रहा है, जैसे कि चेक कर सकते हो लगभग 40 FPS या उससे भी कम मुझे फील हो रहा है, 35 तक फील हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे FPS जो है वो थोड़े सेटिंग में भी हमारे कम है ग्राफिक्स में, और फील भी काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब शेडोज़ वगैरह देखो पूरा हमारा HDR में गेम प्ले चल रहा है, लेकिन भाई फ्रेम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, मतलब गेम प्ले करने लायक मुझे दिख नहीं रहा है। वैसे कि हमारे पास A18 प्रो चिप है जो कि काफ़ी पावरफुल है, लेकिन यार बिना फ्रेम रेट्स के जो है ना वो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो क्वालिटी आ रही है ना ग्राफिक्स की, ऐसा लग रहा है कोई AAA टाइटल खेल रहा हूँ मैं PS5 वगैरह में, लेकिन यार लो FPS की वजह से गेम प्ले में काफ़ी दिक्कत आ रही है। देख सकते हो फ्रेम रेट्स कितने ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पर यार इतने ग्राफिक्स में काम नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी हम ये पूरा मैच जो है इसी ग्राफिक्स और इसी फ्रेम रेट के साथ खेलने वाले हैं। भाई ऐसा लग रहा है मैं कोई 10,000 के फ़ोन में खेल रहा हूँ। फ्रेम रेट जो है ना वो 30 FPS के अराउंड मुझे मिल रहा है फिलहाल।
30 से भी कम हो रहा है बीच बीच में, लगभग 25 FPS की हमें फ्रेम रेट्स बीच बीच में मिल रहे हैं। भाई सेटिंग्स पे ना लगभग 25 से 35 के बीच में मुझे फ्रेम रेट्स मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पर दिखा तो लगभग 40 FPS रहा है, लेकिन हमें जो है गेम प्ले उतना मिल नहीं रहा है। तो ये अल्ट्रा HDR कुछ ज़्यादा ही भयंकर है, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं HDR में, फ्रेम रेट्स बढ़ाकर देखते हैं। हम यहाँ पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स पर ट्राई करेंगे, जैसे कि हमें लगभग 60 FPS मिल जाए, तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो HDR एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स में ना मुझे यहाँ पर लगभग 60 FPS मिल रहा है स्टार्टिंग में भी, और यहाँ पर भी काफ़ी सही फ्रेम रेट्स मिल रहा है और आराम से इसमें गेमिंग हो रही है। तो थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम मैंने जीरो से फिर भेज देते हो, जस्ट दो में तो चलो कम भेज देते हो, जीरो में तो होगा। दो नंबर तो अंधाधुन गोली चला रहा, कोई बंदा भी ना है वहीं खाली जगह ही। Marked a location. Watch out. Thank you.
तो देखो यार, लगभग एक घंटे से ज़्यादा हमें गेमिंग करते हुए हो चुका है। मैं डिस्प्ले साइड आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो 38 टॉप में है और बॉटम में 37 है। बैक साइड दिखाऊं, टॉप साइड जो है 37.5 था, तो लगभग 38 मान के चल सकते हो, 38.5 तक जा रहा है टॉप में। बॉटम में दिखाऊं तो लगभग 36.5 है, मतलब ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। और ध्यान रखना, ये मैं गेम प्ले एसी में प्ले कर रहा था और एसी का टेम्परेचर 28 पर है। ये जो है ना डायरेक्टली फ़ैन के नीचे है एसी के, तो इसलिए ब्लोवर के नीचे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही कम टेम्परेचर दिखा रहा, वरना रूम का टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस है। तो उस हिसाब से देखा जाए फ़ोन जो है ज़्यादा हीट हुआ नहीं है। और हमने यहाँ पर जो ऑब्ज़र्व करा है ना, और आपको भी मैंने दिखाया था, अल्ट्रा एच डी आर में ना अल्ट्रा फ्रेम रेट्स में काफ़ी कम फ्रेम रेट्स मिल रहे थे। मतलब यार ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई 25 से 35 एफ पी एस में कोई गेमिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एच डी आर में एक्सट्रीम में काफ़ी बढ़िया फ्रेम रेट्स मिल रहे थे। हालांकि ग्राफिक्स इसमें भी काफ़ी हाई थी, एच डी आर में दिख रहा था सब कुछ एकदम, आपने देखा होगा, लेकिन फ्रेम रेट्स एक्सीलेंट मिल रहे थे एक्सट्रीम में, मतलब 60 एफ पी एस मिल रहे थे, क्योंकि 90 एफ पी एस अभी आया नहीं है। इसी तरह स्मूथ में तो भाई एक्सट्रीम में मक्खन मिलता ही है, और एच डी आर में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स में। देखो ये पार्ट वन था, इसका पार्ट टू भी आने वाला है, जिसमें हम 90 FPS में गेमिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि भाई अभी नया नया फोन है तो भाई BGMI वालों ने इसमें 90 FPS अनलॉक नहीं करके दिया है। तो 90 FPS आने पर ये फोन हीट होगा या फिर नहीं, या फिर किस तरह के फ्रेम ड्रॉप मिलेंगे, मतलब पूरा डिटेल में इसी तरह से हम डिस्कशन करने वाले, इससे एडवांस लेवल पर हम जाने वाले हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में बता देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो को देखने के लिए। इसके अलावा हमने iPhone 16 Pro से रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, वो भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।